हेलो फ्रेंड्स, यदि आप फ्री में पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप ई फिलिंग वेबसाइट से फ्री में पैन नंबर जनरेट कर सकते हैं, पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे का। कोई भी रुपये आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन फ्री में पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंस्टा पैन आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा चेक स्टेटस और गेट न्यू पैन कार्ड। तो आप जब अप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद में स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन पहले आपको अप्लाई करना है। तो गेट न्यू पैन कार्ड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इंटर आधार नंबर यहाँ पे आएगा, प्लीज़ इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप कीजिए अपना, जो आधार नंबर है आपके पास। उसके बाद में कैप्चर, जो कैप्चर कोड दिया हुआ है, इसको आपको इसके नीचे वाले बॉक्स में टाइप करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई कन्फर्म डैट पे क्लिक करके गेट जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। और जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है आधार कार्ड के साथ, उस मोबाइल नंबर पे आपको उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ओटीपी आता है, हमारा ओटीपी आ गया। वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है, टाइप कर देना है। तो हम इसे टाइप कर देते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद में आई एग्री वैलिडेट पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद में वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी यदि आपका सही रहेगा तो आपका वेरीफाई होके नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पर देखिए, साफ साफ आपका फ़ोटो आ गया और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, एड्रेस, सारा डिटेल आपका आ जाता है, मोबाइल नंबर वगैरह। और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके देखिए, सारा डिटेल आपका सही है। आधार कार्ड वाला ही आएगा, जो आधार कार्ड पर रहेगा वही डिटेल इस पर आएगा। तो आपका सही है, तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, थैंक यू, वी आर वेरीडेटिंग योर डिटेल्स, अकाउंट नंबर, जो आपका पैन का रसीद नंबर है आपका ये है, आप इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम इसका फ़ोटो खींच लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारा पैन कार्ड बना है या नहीं बना। तो हमें होम पेज पर आना है और इंस्टॉल पैन कार्ड पर क्लिक करना है। और उसके बाद में देखिए, चेक स्टेटस पे यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपका आधार नंबर मांगेगा, तो आप आधार नंबर टाइप कर दीजिए यहाँ पर, जो आपका आधार नंबर है, जिस आधार नंबर से आप पैन कार्ड अपना बनाए हैं। उसके बाद में आप नीचे कैप्चर कोड डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी टाइप कर दीजिए। हमारे पास ओटीपी आ गया और यहाँ पर सबमिट पे ओटीपी टाइप करके क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया। तो देखिए, पैन अलाउंसमेंट सक्सेसफुल, आपका 100% पैन कार्ड जनरेट हो गया और यहाँ पर डाउनलोड पैन नंबर आ गया। तो यहाँ पर डाउनलोड पैन पे क्लिक करते हैं। तो नीचे देखिए, यहाँ पर पीडीएफ आया, डाउनलोड हो गया, तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्ट है, तो पासवर्ड के लिए हमें इसका डेट ऑफ बर्थ टाइप करके देख लेते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ टाइप किया, देखिए पूरा के पूरा पैन कार्ड यहाँ पर बनकर आ गया। तो देखिए, बस 5 मिनट भी नहीं लगा और हमारा पैन कार्ड जनरेट हो गया पूरा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो पीवीसी कार्ड प्रिंट कर लीजिए या फिर नॉर्मल प्रिंट करके लेमिनेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 5 मिनट में पैन कार्ड बन गया, वो भी किसी बिना पैसे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।